इसके बाद बात की जानी उसी से। अच्छा, I talk to myself when I चांद का धोखा हो गया। ठीक है, मैं अपने आप से बात करता हूँ या मैं बोल कर देता हूँ। He hurt himself। फसल की तो आशंका था ना कि उसने उसको hurt किया, लेकिन क्या होगा कि इसमें वो reflection आ जाएगा कि अपने आप पे ही बात करें। अच्छा, next है ऐसे verbal pronoun। ऐसे verbal noun is used in order to indicate person or things mutually affected। मतलब ये क्या होता है, mutual understanding हो। और these are two reciprocal pronoun, each other और one another। ठीक है, the students in this class will cooperate with another, both the friends like each other, they care a lot of one another। मैम एफिड की जगह अटैच तो होना चाहिए जी, अब एफिड की जगह अटैच भी हो सकता, अटैच भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट है इंटेंसिव इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, इसको इंटेंसिव भी कहते हैं और क्या कहते हैं, इम्फैटिक। इम्फैटिक इम्फैटिक का क्या मतलब होता है, एम्फसाइज करना, जोर देना। एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज यूज टू इंटेंसिफाई और एम्फसाइज द प्रीसीडिंग। पहले वाला प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन क्या करते हैं कि किस पे एम्फसाइज करते हैं, मैंने सब्जेक्ट पे। कहां पे है मैंने मिला लिए ये रहा 41 तो मांग के नहीं, मैं जो पीछे जाओ मतलब ये नहीं दिखा रहा ये नहीं दिखा रहा। द इंटेंसिव प्रोनाउन हर सेल्फ हिमसेल्फ इटसेल्फ माईसेल्फ आवरसेल्फ देमसेल्फ योरसेल्फ ईच ऑफ दीस वर्ड्स कैन आल्सो एक्ट एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी हरसेल्फ वांटेड टू, अब देखो शी क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट कह रहे हो, नाउन कह रहे हो, प्रोनाउन कह रहे हो। ठीक है, नाउन प्रोनाउन के लिए